मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की पहली साझा रैली में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। पहले उनका रैली में जाना का कार्यक्रम तय था, लेकिन रविवार को पहले खबर आई कि तबीयत खराब होने की वजह से अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन पर आयोजित रैली में नहीं जा सकते। लेकिन बाद में अखिलेश यादव का राहुल गांधी के नाम लिखा एक खत सामने आया, जिसमें उन्होंने वजह बताई कि चुनाव के ऐलान के बाद 20 मार्च से ही नामांकन शुरू हो रहा है, लिहाजा वो तैयारियों में व्यस्त हैं और रैली में शामिल नहीं हो सकते। जबकि कांग्रेस की बात करें तो वो इस बात का दम कर रही है कि देश का अगला पीएम इंडिया गठबंधन का ही होगा। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है। देश की जनता राहुल जी के साथ जुड़ चुकी है, इसका आगाज यहाँ पर हुआ है और यहाँ से मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराज से और जहाँ पे शव फुले अम्बेडकर विचारधारा है वहाँ से ये आगाज आज यहाँ पर हुआ है। और शुरुआत जहाँ अच्छी होती है, शुरुआत जब अच्छी होती है तो उसका अंत भी अच्छा होता है। आपने देखा कितनी रैली, बढ़िया रैली हो गई, कितना उसमें करंट था और ये करंट यहाँ दिखाई दे, वो देश में दिखाई देगा। ये रैली का परिणाम ऐसा होगा कि सरकार बदलेगी, इंडिया की सरकार आएगी, जो पीएम बनेगा वो इंडिया का होगा। वही महाविकास अघाड़ी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले को तय करने के लिए महाविकास अघाड़ी में चल रही खींचतान आज सुलझ सकती है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं का इस बात का दावा है कि फॉर्मूला तय हो चुका है और इसका आज आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आज महाविकास अघाड़ी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें सीटों के बंटवारे पर लिए गए फैसले की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के बीच हुई गुप्त बैठक के बाद इस पर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से होगा कि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने पास 23 सीटें रख सकती है, जबकि कांग्रेस को 15 सीटें मिल सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि शरद पवार के गुट वाली एनसीपी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि महाविकास अघाड़ी में प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को 4 सीटें मिल सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक महायुति में बीजेपी को 30 सीटें मिल रखी है तो एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना को गठबंधन में 13 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका मिल सकता है, जबकि अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ एक साझा रैली की और साफ तौर पर कहा कि एनडीए 4 जून को 400 पार करेगी। वहीं पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला और इंडिया गठबंधन पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार। कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस को भले ही मजबूरी में इंडी अलायंस बनाना पड़ा हो, लेकिन इनकी सोच वही है। ये बीजेपी है, एनडीए है, जो हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए समर्पित नेताओं का सम्मान करती है। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के नजदीक होने के बीच दक्षिण राज्यों में बीजेपी की पहुंच बढ़ाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रखे हैं। आज पीएम तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक का दौरा करेंगे। तेलंगाना के
जगत्याल में सुबह 11:30 बजे पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:15 बजे कर्नाटक के शिमोगा में पीएम की जनसभा होगी और फिर शाम 4:45 बजे तमिलनाडु के कोयंबटूर में पीएम रोड शो करेंगे। रात को कोयंबटूर के सर्किट हाउस में ही पीएम रुकेंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। करीब 87% वोटों से राष्ट्रपति चुनाव एक बार फिर से पुतिन ने जीत लिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए हैं और एक बार फिर से पुतिन ये चुनाव जीत चुके हैं। जो जानकारी अब तक है कि 87% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव पुतिन ने जीत लिया है। जिस तरीके की उनकी राजनीति रखी है, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान कूटनीतिक फैसले वो लेते रखे हैं, इन सब के बीच में जनता की पहली पसंद के साथ एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए। बड़ी खबर, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक साथ 2 समन्स भेजे हैं। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, तो वही शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से ईडी 21 मार्च को पूछताछ करेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, 2 समन्स अरविंद केजरीवाल को भेजे गए हैं, साथ ही आज 1 समन को लेकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ जल बोर्ड केस में समन जारी किया गया है जिसको लेकर आज पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की जा सकती है, और शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या आज दिल्ली जल बोर्ड के इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, क्योंकि समन जारी किया गया है। पहले भी 7 से 8 बार समन इग्नोर किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से शराब घोटाला मामले में। ईडी का समन आया है केजरीवाल को और 9वीं बार उनको आया समन, लेकिन उनकी पार्टी यही कह रही है कि राजनीतिक साजिश के चलते ये पूरी कार्रवाई हो रही है। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के पास अपनी बेगुनाही में कहने को कुछ भी नहीं बचा। अभी 2 दिन पहले वो 8 समन का अवहेलना करने के लिए जेल जाने की स्थिति में थे, तो उनको बेल लेना पड़ा। कोर्ट ने कहा गो एंड ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भ्रष्टाचारी मान चुकी है, क्योंकि दिल्ली की जनता को ये पता है कि टूटी गलियां तो नहीं बनवाए, अपना राजमहल बनवा लिया, लोगों को साफ पानी तो नहीं दिए, अपने लिए करोड़ों की गाड़ियों का काफिला तैयार कर लिया, दिल्ली की जमुना जी को तो साफ नहीं किए, लेकिन अपने लिए दुनिया की सारी सुविधाएं, रिमोट से चलने वाली सुविधाएं, टाइल से लेके और टॉयलेट तक इंटरनेशनली शायद कोई बहुत बड़े देश का राजतंत्र का राजा भी न रखा हो, वो व्यवस्था किए। दिल्ली की जनता खून के आंसू रो रही है और ये बार बार चाहती है कि जब किसी के पास जवाब ही नहीं है तो उसको इतना मौका क्यों दिया जा रहा है। कानून को कड़ाई से पेश आना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ।